Hello, welcome back to my channel English Saithya. In this video, we are going to start Unit 8 Story A Homage to Our Brave Soldiers Question Answers. First of all, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी जो इससे पहले की जो स्टोरी है चैप्टर को हमने एक्सप्लेनेशन किया है टू पार्ट्स में उसको आप तभी देख पाओगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. सबसे पहले हम कम्प्रीहेंशन के कुछ चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को. वेयर इज द नेशनल वॉर मेमोरियल लोकेटेड, वट इज इट्स सिग्निफिकेंस, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वेयर है, कहाँ पर इस लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है और इसका क्या महत्व है, वट इज इट्स सिग्निफिकेंस. तो इसका आंसर क्या होगा, नेशनल वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड इन प्रिंसेस पार्क नियर इंडिया गेट न्यू दिल्ली में. कहाँ पे लोकेटेड है ये, प्रिंसेस पार्क नियर इंडिया गेट न्यू दिल्ली में. इट इज बिल्ड इन मेमोरी ऑफ ऑल इंडियन सोल्जर्स हु हैव मेड अ सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस. तो ये जो भारतीय सैनिक है जिन्होंने आज़ादी के बाद अपने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है, सर्वोच्च बलिदान किया है, ये उनके लिए डेडिकेटेड है. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द नेशनल हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, सर देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है. द नेशनल हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज परमवीर चक्र, कौन सा है, परमवीर चक्र. ऑर्डर टू प्रीसिडेंस ऑफ दिस अवार्ड इज परमवीर चक्र, अशोक चक्र ऑफ सबसे हाईएस्ट कौन सा है, परमवीर चक्र, फिर उसके बाद कौन सा है, अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर उसके बाद कीर्ति चक्र और फिर उसके बाद वीर चक्र एंड फिर शौर्य चक्र. ये इसके सीक्वेंस है, मतलब हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद, ये मतलब इसके घटते हुए क्रम में. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हो आप, हाईएस्ट सब फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट, फिर उसके बाद उसके कम कम, मतलब जो उसके बाद मिलता है उसके बाद मिलता है उसके बाद मिलता है, इसको डिस्क्राइब किया गया. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट डू द वॉल्स ऑफ चक्रास पोर्ट्रेस, तो जो दीवारों पे जो चक्र चित्रित किया गया है वो क्या चित्रित करती है. द नेशनल वॉर मेमोरियल कंसिस्ट फोर कंसेंट्रिक चक्र, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है उसमें क्या है, चार कंसेंट्रिक सर्कल में बनाए गए हैं, विच आर नोन एज अमर चक्र, जो उसमें सबसे पहला है वो किस नाम से जाना जाता है, अमर चक्र. नेक्स्ट का है, नेक्स्ट चक्र है वीरता चक्र और थर्ड चक्र है त्याग चक्र एंड फोर्थ चक्र है रक्षा चक्र. अराउंड ऑफ 50 मीटर टॉल सेंटर ओबेलिस्क विथ द इटर्नल फ्लेम ऑफ अमर जवान ज्योति, और उसके अंदर क्या है, अमर जवान ज्योति की फ्लेम हमेशा जलती रहती है, जो कभी भी बुझने ना बुझने वाली है. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द लेसन द पैराग्राफ्स एंड सेंटेंस दैट इवोक द फीलिंग गिवन ब्लू, फीलिंग ऑफ वंडर, आश्चर्य की अनुभूति, हार्टनिंग मतलब उत्साहजनक, सेंस ऑफ मोटिवेशन. तो आपको क्या है, इसके पैराग्राफ में वाक्य को खोजने हैं जो नीचे दिए गए, मतलब उसके अनुसार राइट करना है, उसकी इसके फीलिंग मतलब इनको क्या को एक्सप्लेन करना है पैराग्राफ में. ओके, जैसे हाँ, फीलिंग ऑफ वंडर मीन्स क्या होता है, आश्चर्य की अनुभूति होना, हार्टनिंग मीन्स क्या होता है, उत्साहजनक, सेंस ऑफ मोटिवेशन प्रेरणा की भावना. नेक्स्ट है प्राइड, प्राइड मीन्स क्या होता है, गर्वान्वित होना, अभिमान होना किसी भी चीज पर. विजुअली इंस्पायरिंग मतलब दृष्टि से प्रेरणादायक, सैडनेस मीन्स उदासी, ग्रेटिट्यूड मीन्स क्या होता है, आभार प्रकट करना किसी को, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, किसी से प्रेरणा लेना या प्रेरणा प्राप्त होना. तो इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे, फीलिंग ऑफ वंडर, आशिक अनुपति, दिस मेड मी वंडर हु वर दीज ब्रेव इंडियन पीपल, दे फॉट टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ सो दैट वी कुड लीड अवर लाइफ इन पीस. तो हमें क्या है, मुझे क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्य की अनुभूति हुआ है कि बहादुर जो हमारे जो भारतीय सैनिक हैं, मतलब उन लोगों की वजह से, उनके बलिदान की वजह से हम अब इस समय क्या है, शांति से हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ शांति से हम जी पा रहे हैं. हार्टनिंग इट वॉज हार्टनिंग टू नो दैट अवर गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव सोल्जर्स. तो ये जानकर क्या खुशी हुई कि हमारी सरकार ने क्या बहादुर सैनिकों के बलिदान के क्या
के लिए रिकॉग्नाइज किया है ये नेशनल वॉर मेमोरियल। नेक्स्ट क्या है, सेंस ऑफ मोटिवेशन मतलब प्रेरणा की भावना। देन द टीचर शेयर्ड विद अस साइटेशन ऑफ परमवीर चक्र अवार्डेड लेंस नायक अल्बर्ट इक्का। तो जब वो अल्बर्ट इक्का नायक इक्का के बारे में सुनती है तो उसको क्या है बहुत ही ज़्यादा उससे क्या है वो प्रभावित हो जाती है। इट टच माई हार्ट वो कह रही है, उसने वो कहती है वो चैप्टर में उसने डिस्क्राइब किया है ये क्या है मेरे दिल को छू लिया था। एंड ऑल्सो मोटिवेटेड मी और इसने क्या है मुझे प्रेरित किया था। वी वर अस्ट्रक एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी और हम क्या है उसके जो उसकी ब्रेवरी थी उससे क्या आश्चर्यचकित थे और विनम्र थे। आई एस्पायर टू बी अ करेज लाइक हिम व्हेन आई ज्वाइन द आर्मी। तो मैं भी उसकी तरह क्या बहादुर बनना चाहती हूँ, ऐसे ही साहसी काम करने की इच्छा रखती हूँ जब मैं सेना में भर्ती होंगे। तो उसकी क्या इच्छा हो जाती है कि मैं भी एक ऑफिसर बनूँ मतलब आर्मी को ज्वाइन करूँ। प्राइड प्राइड मतलब गर्व है तो गौरव होना किसी चीज़ पर। इट ट्रूली इज अ मैजेस्टिक साइट दैट फील्ड मी विद प्राइड फॉर आवर नेशंस। तो ये वास्तव में एक मैजेस्टिक मतलब बहुत ही भव्य स्थल है जिससे कि मुझे अपने राष्ट्र के प्रति गर्व महसूस होता है। विजुअली इंस्पायरेशन दृश्यात्मक रूप से मतलब इंस्पायरेशन होना। दी ओवरऑल इन्वायरमेंट क्रिएटिंग एन इमोटिव एक्सपीरियंस दैट वॉज विजुअली इंस्पायरिंग। आई फेल्ट एज इफ आई हैड अ डेवलप्ड बॉन्ड विद द प्लेस। तो वास्तव में क्या है एक मतलब मुझे मतलब इस जो ये वातावरण है जो एक भावना का अनुभव पैदा करता है इसे देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या है मेरा क्या इस जगह से एक बॉन्ड है मतलब एक इसके साथ क्या है मेरा एक रिश्ता सा बन गया है। इस जगह के साथ रिश्ता बन गया है मेरा यहाँ पर आने तक क्योंकि उसे फील होता है कि हमारे देश के जो बहादुर सैनिक है उन्होंने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। सैडनेस दुख। इट वॉज सैड टू थिंक अबाउट द मैसिव डिवेस्टेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय वॉर्स। तो ये क्या है दुख का कारण है जब हम युद्ध होता है उसमें क्या है भारी तबाही होती है और इंसान अपनी लाइफ को क्या है लॉस कर देते हैं इस युद्ध के कारण से। तो ये क्या है दुख का कारण है। ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता। दे एक्सचेंज द लेटर एंड शेयर दियर फीलिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड फॉर द फ्रीडम दे इंजॉय बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय द ब्रेव हार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे क्या है जो हमारे सोल्जर्स है उनकी उनकी जो बलिदान है उसके बारे में उनकी वजह से क्या है उसके दिल में क्या है उनके प्रति आदर आदर उत्पन्न हो गया मतलब उनके लिए रिस्पेक्ट पैदा हो गया। ग्रेटिट्यूड। इंस्पायरेशन मतलब प्रेरणा। लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ मॉन्यूमेंट दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग। तो मुझे प्रेरणा सबसे पहले क्या है आपको उस स्मारक का नाम का अनुमान लगाना है उनको कहूँगा जो क्या है जो मुझे इस समय बहुत अधिक अच्छा लगा है जिससे मैं क्या है इस समय बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हुआ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच बुक डज आनंदा वॉन्ट टू रीड बाय। कौन सी किताब थी जो आनंदा पढ़ना चाहता था और क्यों बाय। तो आनंदा वॉन्ट टू रीड द बुक ऑफ मेमोरियल टाइटल। उसका टाइटल क्या था जो उसकी मदद ने लिखा था टाइगर टू ड्रास। तो ड्रास नाम के एक टाइटल था जो अनुज नैयर के मामा ने लिखा था। 23 कारगिल्स हीरो थे जो 1990 में जो कारगिल्स का युद्ध हुआ था 99 में। तो उसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया है रिटन बाय हिज मदर मीना नैयर। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है डेट इसकी कि कारगिल युद्ध कब हुआ था लेकिन यहाँ पे क्या है जो नैयर की जो मदर है उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है मतलब कि मतलब कैसे मतलब उनके बच्चों ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है देश के लिए। तो एक एक अगर उनकी मामा का कहना है कि अगर मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करती तो लोग जो दुनिया मेरे बेटे के बारे में नहीं जान पाते मतलब। सो उनकी मदर्स का नाम था मीना नैयर। क्वेश्चन नंबर टू हाउ डिड आनंदा फील आफ्टर रीडिंग अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल्स। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हाउ डज मतलब जो कौन सा हाउ डिड आनंदा फील आफ्टर रीडिंग अबाउट नानंदा नेशनल वॉर मेमोरियल्स। तो व्हेन द आनंद रिसीव द सोमियास लेटर आफ्टर रीडिंग अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल आनंद फील आनंद
Anand, feel it was such a pleasure. I enjoy reading your experience and visit the National War Memorials in Delhi, as well as your observation and feeling during the visit. तो जो उसने उस डिस्क्राइब किया था लेटर में, तो उसके उसको पढ़ के क्या है, उसे भी बहुत अच्छा फील होता है. मतलब वो उसके बारे में समझ पाता है कि मतलब हमारे जो देश के लोग हैं, मतलब कैसे अपने देश के लिए मतलब कुर्बानी दी है. तो इन सब चीज़ों के जब आनंद सोमिया का पत्र मिला, तो युद्ध स्मारक के बारे में जब उसने पढ़ा, तो उसे क्या मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंद में मतलब प्लेजर में ना खुशी महसूस हुई उसे, और उसने इंजॉय भी किया उसके पूरे एक्सपीरियंस को, जितना उसने अपने एक्सपीरियंस को लिखा था. तो उसको कैसा महसूस हुआ था, उसको प्लेजर खुशी मिली थी उसके लेटर को पढ़ के. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. व्हाई वाज शी रिमाइंडेड ऑफ द पोम पुष्प की अभिलाषा. तो उन्होंने पुष्प की अभिलाषा कविता को याद क्यों दिलाई गई इस चैप्टर में. तो व्हेन आई थिंक बैक अबाउट माय विजिट वेयर एवरीवन वाज डेडिकेटिंग फ्लावर एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर सोल्जर्स, आई वाज रिमाइंडेड ऑफ द फॉलोइंग पोम पुष्प की अभिलाषा. तो इसमें क्या है, जब उस वहाँ पर मतलब वो गई थी, तो उसे मतलब जब उसने यात्रा के बारे में उसने मैं जब यात्रा के बारे में सोचता हूँ, यहाँ पर वो बोल रहे हैं व्हेन आई थिंक अबाउट माय विजिट, जब मैं अपनी यात्रा के बारे में सोचता हूँ, जहाँ पर क्या हर कोई सम्मान से फूल को समर्पित कर रहा है, मतलब सम्मान के लिए मतलब फूल को समर्पित कर रहा है. तो उसे मैं याद आ जाता है जो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी वो पोम. तो उसके बारे में उसको याद आता है कि मतलब मैं पुष्प की अभिलाषा जो पोम है उसको उसने इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है. ओके, रीडिंग द लेटर फ्रॉम सौम्या आनंद. आनंद सौम्या आनंद इज इंस्पायरिंग टू एक्ट. व्हाट एक्शन डज शी इंटेंड टू टेक अप फील इन दी टेबल एंड टेबल साइटिंग दी सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल है विजिट, तो सेकेंड है मोबाइल ऐप, थर्ड है शेयरिंग आइडियाज, मतलब विचारों को साझा करना, एंड क्रिएटिंग अ कोलाज, तो एक कोलाज बनाना, एंड ज्वाइनिंग द आर्मी में शामिल होना, और वेबसाइट के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. चलो आई तो विजिट में आई इंजॉय रीडिंग योर एक्सपीरियंस टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल. तो यहाँ पे क्या है, मुझे राष्ट्रीय युद्ध की यात्रा में अपना अनुभव आपके अनुभव को पढ़कर क्या अच्छा लगा जो स्मारक के बारे में मेमोरियल डायरी के बारे में पढ़ा. मोबाइल ऐप में क्या डिस्क्राइब करेंगे, वी हैव अ फाउंड आउट द मोबाइल ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल्स एंड म्यूजियम. तो एक नेशनल वॉर मेमोरियल्स के बारे में क्या एक वेबसाइट बनाई है गवर्नमेंट ने, तो वो क्या है एक मोबाइल ऐप पे आपको आसानी से मिल सकती है. शेयरिंग आइडिया, आई रियली लाइक टू रिसीव लेटर फ्रॉम यू, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडिया दैट यू शेयर, बट ऑल्सो बिकॉज द एनवलप ऑफ योर लेटर्स ऑफन कम्स विद ब्यूटिफुल स्टैम्प्स दैट मेक मी हैप्पी. तो मुझे वास्तव में क्या आपका पत्र प्राप्त करके क्या अच्छा लगा, केवल विचारों के कारण नहीं जो क्या है आपने आपके अपने विजिट के बारे में जो डिस्क्राइब किया है, बल्कि इसलिए भी अच्छा लगा जो आपने क्या है एक पत्र को एक क्या है लिफाफे में दिया था भेज के, जो ब्यूटीफुल स्टैम्प जिस पे लगा हुआ था, दैट मेक मी हैप्पी, जो क्या है मुझे खुश करते हैं. नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ कोलाज, आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट क्रिएट टू कोलाज कैप्चरिंग द लाइफ स्टोरी ऑफ पीपल दैट कैन इंस्पायरिंग अस ईच डे. तो मुझे लगता है कि जिंदगी को दर्शाने के लिए क्या है एक कॉलेज बनाना है बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि ऐसे में लोग क्या है कहानियों को देखेंगे और उससे क्या है इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे ईच डे, मतलब हर दिन प्रत्येक दिन हमें जो क्या है हर दिन प्रेरित कर सकती है ये सब चीजें. ज्वाइनिंग द आर्मी, सेना में शामिल होना, आई फील मोटिवेटेड एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्स फॉर सर्विंग माई मदरलैंड. तो यहाँ पे क्या है मुझे वो क्या है मातृभूमि की सेवा के लिए क्या है ये उसमें ज्वाइन होना चाहती है आर्मी में. वेबसाइट, हेयर इज द वेबसाइट लिंक फॉर नेशनल वॉर मेमोरियल्स. तो ये क्या है नेशनल वॉर मेमोरियल्स की वेबसाइट है, जिससे आप क्या है उसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तो आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लर्न मोर अबाउट इट. और आप ये इसको क्या है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो. तो why are war memorials built, क्वेश्चन नंबर 1.
तो क्यों बनाया गया है मेमोरीज वॉल्स? दे लिंक द पास्ट टू प्रेजेंट एंड इनेबल पीपल टू रिमेम्बर एंड रिस्पेक्ट द सेक्रीफाइस ऑफ दोज हु डाइड फाउट पार्टिसिपेटेड और वार अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष में जो मारे गए जो वॉर के टाइम पे, ये क्या है, उनको उनको दिखाने के लिए बनाए गए, उनके बारे में हमें याद रखने के लिए कि उन्होंने कैसे हमारे देश के लिए संघर्ष किया। मेमोरीज कैन बी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यंग पीपल इन अंडरस्टैंडिंग द सेक्रीफाइस मेड बाय द पास्ट जनरेशन। तो हमें इससे क्या है, पास्ट जनरेशन के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कैसे सेक्रीफाइस किया है हमारी कंट्री के लिए, जिसकी वजह से क्या है हम इस समय पीसफुली अपनी कंट्री में रह पा रहे स्वतंत्रता से। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई इज इट आवर ड्यूटी टू पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स? तो हमारी ड्यूटी क्यों है हम अपने ब्रेव सोल्जर्स के पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, हम उनका क्या है आदर करें। इट्स आवर ड्यूटी ड्यूटी टू पे ट्रिब्यूट टू अवर ब्रेव सोल्जर्स, हमें क्या श्रद्धांजलि देनी चाहिए ब्रेव सोल्जर्स को, हु वेंट टू बिहाइंड देयर कॉल टू ड्यूटी टू प्रोटेक्ट अवर मदरलैंड एंड सिक्योर अवर लाइफ, जो क्या है हमारी मदरलैंड मातृभूमि को क्या प्रोटेक्ट करती है और सिक्योर करती है हमारे जीवन को दुश्मनों से। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या है, वाई इट इज अ गुड आइडिया टू मेक प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द ओल स्कूल? ये गुड आइडिया क्यों होता है प्रेजेंटेशन बनाने का, इसका आंसर क्या होगा, इट इज अ गुड आइडिया टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ ऑल स्कूल। आई एम गोइंग टू शेयर दिस आइडिया विद माय क्लासमेट्स एंड माय टीचर्स, आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट टू क्रिएट द कलर्स कैप्चरिंग द लाइव्स ऑफ द स्टोरीज ऑफ ब्यूटिफुल एंड कैन बी इंस्पायर अस ईच डे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का कि इस प्रेजेंटेशन बनाने का क्या इंपॉर्टेंस, लाइक क्या लोगों को क्या है सामने से जो दिखाई देगा तो उससे क्या लोग भाई इंस्पायर होंगे स्टूडेंट भी आल्सो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, व्हाई वर द स्टूडेंट अस्ट्रक द हम्बल्ड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स? ओके, आई टस्ट माई हार्ट एंड ऑल्सो मोटिवेटेड मी, वी वर द अस्ट्रक एंड हम्बल्ड बाई हिस ब्रेवरी, आई इंस्पायर टू बी अ ब्रेव Courage like him when I joined the army. Okay, next day, question number fifth. Complete the table given below. You may have to find the information from the internet. Okay, आपको क्या है? Okay, तो कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में, तो मुझे ये याद नहीं आ रहा था, तो आप यहाँ से राइट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इंडो चाइना वॉर कब हुआ था? इंडो चाइना वॉर हुआ था 20 अक्टूबर एंड 21 नवंबर तक चला था, ये 1962 में। ये किसके बीच में था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, इंडियन आर्मी एंड पीएलओ, नो सॉरी, ये चाइना के बीच में हुआ था, ओ सॉरी, ये इंडिया और चाइना वॉर है, कब हुआ था? 1962 में, इंडिया आर्मी और पीएलए ऑफ चाइना के बीच में हुआ था। और इंडिया पाकिस्तान का वॉर कब हुआ था? 1947 में और 65 में और 71 में। ओके, ये तीन युद्ध हमारे जो पाकिस्तान के साथ लड़े गए इंडिया आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में हुआ था। ओके, और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में, इंडिया आर्मी और पाक आर्मी के बीच में हुआ था ये भी। ओके, तो आप इन्हें याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द वर्ड्स गिवन द बॉक्स। वैलियंट, वैलियंट मीन्स क्या होता है? बहादुर। मेमोरियल मीन्स क्या होता है? शहीद स्मारक। ग्रेटिट्यूड मतलब उसको आदर प्रदान करना, मतलब उसके प्रति सम्मान देना। यूनिक मीन्स अद्वितीय। तो आपको क्या है, ये जो वर्ड्स दिए गए तो इनमें से ऑन वन ऑड वन आउट को आपको देखना है। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, वैलियंट है, मार्टियर, ब्रेव है, हीरोइक है, करेज है, तो इनमें से सबसे वैलियंट बहादुर है। मार्टियर मीन्स क्या होता है? शहीद होता है, तो और ब्रेव भी बहादुर होता है, हीरोइक भी बहादुर होता है, करेज इसमें से सांस होता है, तो इसमें ऑड वन आउट क्या होगा? शहीद होगा। ओके, मार्टियर। नेक्स्ट क्या है, मेमोरियल, मेमोरियल्स, मोनूमेंट, स्टेच्यू, सेनोटाप और विक्टोरी। तो ये सारे तो एक ही जैसे है, मेमोरियल्स मतलब स्मारक स्थल होता है जो, मॉन्यूमेंट में क्या होता है? स्मारक ही होता है, और स्टेचू में क्या होता है? स्टेचू में भी मतलब उसको अब यही होता है। एंड तो इसमें से सबसे अलग क्या है? इसमें से होगा विक्टोरी। ओके, ऑड वन आउट इसमें क्या है? विक्टोरी। ओके, नेक्स्ट है
ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। एंड नेक्स्ट क्या है, थैंकफुल, थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस मीन्स क्या होता है, थैंकफुलनेस मीन्स क्या होता है, थैंकफुलनेस होना, किसी की तरफ आदर प्रताप करना, इसका मतलब ही कृतज्ञता ही होता है जो थैंकफुलनेस। और नेक्स्ट क्या है, अप्रिशिएशन एंड रिस्पेक्ट एंड ग्रेटफुलनेस। तो इसका आंसर क्या होगा, रिस्पेक्ट होगा। ओके बाकी तो सबका मतलब आदर करना या किसी को अप्रिशिएशन करना, ग्रेटफुलनेस होना किसी के लिए। ओके नेक्स्ट क्या है, यूनिक। यूनिक मतलब बिल्कुल अद्वितीय, सिंपल, सिंपल मतलब बिल्कुल सरल। नेक्स्ट क्या है, मैचलेस। तो यहाँ पे मैच, यहाँ पे इस, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑड वन आउट क्या हो जाएगा इसमें, सिंपल हो जाएगा। ओके यूनिक है ये भी, अद्वितीय है, मैचलेस भी अलग है, मतलब किसी से मैच ना होना, एक्सक्लूसिव भी। और वन ऑफ, वन ऑफ मतलब एक बिल्कुल अलग होना उसमें से। ओके नेक्स्ट है अनन्य, एक्सक्लूसिव मीन्स क्या होता है, अनन्य होता है, अलग बिल्कुल। तो इसका आंसर ये है। ओके क्वेश्चन नंबर टू, तो क्वेश्चन नंबर टू क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे द परमवीर चक्र सिग्निफिकेंस दी वी ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव, व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव एंड द, एंड द अवार्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड द मोस्ट कॉन्सिपिशियस ब्रेवरी इन द प्रेजेंट ऑफ द एनिमी। द मेडल वॉज इंस्टीट्यूट, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आंसर को, आंसर में आपके लिए डिस्क्राइब कर दिया है। ओके आप चाहो तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। ओके यहाँ पे जो स्टोरी लिखी गई इस, तो उसको क्या है, सेकेंड मैक्सिमम जगह सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। परमवीर चक्र सिग्निफाइज द वील्ड ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव एंड अवार्डेड द इज ग्रांटेड फॉर मोस्ट कॉन्सिपिशियस ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, एनिमी द मेडल ऑफ इंस्टीट्यूटेड। तो यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूट लिखा गया है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूटेड एज अ गैलेंट्री मेडल विद रिट्रोस्पेक्टिव एंड इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947 बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दी एंड देन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो उस समय के प्रेजिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द मेडल वॉज डिजाइन बाय मिस्टर सावित्री कानोलकर। जो जो मेडल है वो किसके द्वारा डिजाइन की गई है, श्रीमती सावित्री कानोलकर के द्वारा डिजाइन की गई है। द डिजाइन ड्रॉ इंस्पायर्ड फ्रॉम सांग ददीची। तो जो ददीची थे, जो एक वैदिक ऋषि थे, ये वैदिक ऋषि थे, उनसे इंस्पायरेशन करके इसको मेडल को डिजाइन किया गया। हु मेड द अल्टीमेट सेक्रीफाइस बाय गिवन अप बाय हिज बॉडी सो दैट गुड गुड कुड बी मेक इज डेडली वेपन्स कोल्ड वर्जा। तो जो इस, जो अपने शरीर को त्याग कर गया, उन्होंने अंतिम बलिदान दिया था, जो महर्षि दत्त जी थे, तो क्या है उसे इंस्पायर होकर बनाया गया। एंड थंडर बोल्ट फ्रॉम हिज स्पाइन, और जो जो थंडर बोल्ट जो उसके स्पाइन से बनाया गया। एंड मेडल इज कास्ट इन ब्रॉन्ज, जो मेडल का कास्ट है वो किससे बनाया गया है, जो ढाला गया है उसको, उसको कांसे में ढाला गया है, ब्रांस में ढाला गया है। इन दिस सेंटर ऑन द रेज अ सर्कल इज स्टार्ट एम्बलम, और जो उसके केंद्र में जो सर्कल को जो उभारा गया है वो क्या है, हमारे राज्य का प्रतीक है, स्टेट एम्बलम्स है वो, मतलब हमारे राज्य का क्या है, प्रतीक है। सराउंडिंग मतलब चारों तरफ से बाय द फोर रेपिक्लास ऑफ द इंडिया वीजरा एंड फ्लैंक्ड द डेकोरेशन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्ट्रेंथ एंड शिवलिंग सस्पेंशन बार एंड इज हेल्ड बाय 32 mm पर्पल रिबन्स। तो यहाँ पे क्या है, बैंगनी कलर का 32 mm मिलीमीटर का जो बैंगनी कलर का रिबन के द्वारा इसे धारण किया गया है, जिससे और क्या है इसको लटकाए गए है जो इस पे। नेक्स्ट क्या है, मैच करना है आपको फिर जो ये वर्ड्स है, तो मैंने आपके लिए सीधा आंसर राइट कर दिया है यहाँ पे। तो आप चाहो तो इसके क्वेश्चंस को
क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप क्वेश्चन से आपको पहले अपने आप से ट्राई कर सकते हो कि इसके वर्ड्स मीनिंग को, जैसे टेरिटरी इंटीग्रिटी का है, सेफ गार्ड ड्यूरिंग द नेशनल बॉर्डर्स, आइकॉनिक क्या होती है, आइकॉनिक मतलब प्रतिष्ठित मतलब सेलिब्रेट, और इनविजनस क्या होता है, कल्पना की गई, इनविजन मतलब कल्पना की गई, विजुलाइज्ड, एस्टिमिस क्या होता है, नक्काशी करना किसी चीज़ पर, एनग्रेव्ड होगा इसका आंसर, पोस्टमसली मतलब आफ्टर दैट मतलब डेथ के बाद जो अवार्ड दिए जाते हैं किसी की डेथ हो जाएगी सोल्जर्स की, तो जब वो मर जाते हैं तो उनके परिवार वालों को वो अवार्ड दिया जाता है, ओके जैसे बहुत सारों को परमवीर चक्र, जो अशोक चक्र मरने के बाद दिए जाते हैं, ओके अष्टक, अष्टक मीन्स अमेज्ड, अष्टक मीन्स क्या होता है, अचंभित कर देना, ऑबेलिस्क मीन्स, और टैपरिंग स्टोन पिलर जो दीवारों पे स्टोन टैपरिंग किया जाता है, ओके मैजेस्टिक मतलब ग्रांड मतलब बहुत ही राजस्वी जो ना ग्रांड सेलिब्रेशन किया जाता है बोलते नहीं मैजेस्टिक, और इंटरमिनेबल मिनेबल फ्लेम क्या होता है, जो हमेशा जलने वाले नेवर डाइंग फ्लेम, जो अमर ज्योति जवान की जो वहाँ पर जो फ्लेम जलती है वो क्या है, हमेशा जलती है कभी ना बुझने वाली है, एंड वैलियंट मीन्स बहादुर वेरी ब्रेव, ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th, कंप्लीट द स्टोरी ऑफ एन अननोन सोल्जर्स, आपको क्या है एक अज्ञात सैनिक की कहानी को पूरी करना है, यहाँ पे रिप्लेस द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स विद द अंडरलाइन वर्ड्स गिवन इन द टेक्स्ट, आपको इन वर्ड्स को क्या है रिप्लेस करना है जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए जो अंडरलाइन किए गए, ओके जैसे फर्स्ट है टस्ट मतलब किसी के दिल को छू जाना, टस्ट एवरीवन्स हार्ट मतलब किसी के दिल को छू जाना, टेरिटरी मीन्स क्या होता है जो क्षेत्रीय क्षेत्रीय टेरिटरी इंटीग्रिटी मतलब क्षेत्रीय जो हमारी अखंडता है मतलब जो हमारे क्षेत्र की जो पार्ट है, इंस्पायर्स मीन्स प्रेरित होना, फैलन शोल्जर्स मतलब जो शहीद हुए सोल्जर्स उनको क्या कहा जाता है, फैलन शोल्जर्स कहा जाता है, पोस्टमसली मतलब आफ्टर डेथ जो मरणोपरांत दिए जाते हैं, वैलोर मीन्स वीरता, एग्जाम्पली करेज मीन्स अनुकरणीय जो साहस होता है, अस्ट्रक्स मीन्स क्या होता है आश्चर्यचकित करना, ओके ही वॉज पोस्टेड एट द इंडिया बॉर्डर सेफ गार्ड अवर नेशनल बाउंड्री, तो क्या हमारी राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के लिए भारतीय सीमा पर तैनात थे जो नेशनल बाउंड्री है, ही हैड बीन मोटिवेटेड वो क्या है उन्हें इससे प्रेरणा मिली है बाय द हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज सोल्जर्स हु हैड अ डायर एक्शन एंड वर सेलिब्रेटेड आफ्टर दियर डेथ फॉर ब्रेवरी वन नाइट, तो यहाँ पे क्या है आप हम सीधा आंसर देख लेते हैं, इससे क्या है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई करो फिर यहाँ पे आंसर देखो, ओके ही वॉज अ पोस्टेड एट द इंडियन बॉर्डर सेफ गार्ड अवर टेरिटरी इंटीग्रिटी, तो यहाँ पे क्या है जो नेशनल बाउंड्री की जगह क्या आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पे टेरिटरी इंटीग्रिटी, ही हैड बीन इंस्पायर्ड बाय द हंड्रेड ऑफ स्टोरीज फैलन शोल्डर्स वेयर सेलिब्रेटेड जो आफ्टर डेथ को क्या कहते हैं पोस्टमसली कहते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम सेलिब्रेटेड पोस्टमसली फॉर वर्ल्ड, जो सैनिक शहीद हजारों के मतलब हजारे सैनिकों की कहानियाँ हैं यहाँ पे जो उनके हैं मरणोपरांत क्या है उन्हें वीरता के लिए जश्न मनाया जाता है, एंड वन नाइट एज स्वॉर इंटेंसिफाइड ही वॉज आस्क्ड टॉक हिज प्लाटून टू द प्लेस ऑफ एक्शन, ही डिस्प्लेस द एग्जाम्पली करेज एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑल द फेलो soldiers were amazed and his courage especially as he made the supreme sacrifice without any hesitation he too was awarded posthumously in the war and action his actions touched everyone's hearts, तो क्या है बिना किसी इसके जाट के जो सर्वोच्च बलिदान उन्हें दिया जाता है तो उन्हें भी क्या है मरणोपरांत जो पुरस्कार किया गया है उसके उसे देख के क्या लगता है हमें हमारे सबको ये दिल को छू जाता है मतलब उनकी कहानियाँ सुन के उनके बारे में मतलब उनके सेक्रीफिकेशंस को सुन के मतलब उनकी ब्रेवरी को देख कर ये क्या है हमारे दिल को छू जाता है ये सब चीज़ें
Have a class discussion on the topic when there is not dialogue for begin. तो क्या है, जब कोई सवाल नहीं होता है मतलब तो युद्ध शुरू नहीं होता है, तो उसके विषय में कक्षा को मैं आपको डिस्कस करना है, मतलब देश में अगर कोई युद्ध नहीं शुरू है तो इसके बारे में आपको खुद से डिस्कस करना है स्टूडेंट को, पूरी क्लास में आप कर सकते हो आपस में. फाइंड आउट एनी पोम और स्टोरी इन योर मदर टंग कंटेक्स्ट अबाउट द सेक्रीफाइस ब्रेवरी और सोल्जर्स मेक अ प्रेजेंटेशन इन द क्लास. तो क्या है, बहुत सारी पोम, बहुत सारे आपके जो मातृभाषा है उसमें क्या है, बहुत सारे गीत होंगे, बहुत सारी पोएम होगी जो क्या है आपके अलग अलग क्षेत्र में गाई जाती होगी कि जो हमारे सोल्जर्स है, बहादुर जवान है. तो आपको क्या है इसके इसके ऊपर, दिस इज एन एक्टिविटी वर्क एंड डू योर सेल्फ, ये क्या है एक गतिविधि कार्य है, ये क्या है आपको खुद से करना है. ओके, पीपुल हैव अ स्विच्ड द ईमेल एंड व्हाट्सएप इंस्टेड ऑफ राइटिंग नोट्स एंड लेटर ईच अदर, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डू यू प्रेफर एंड वाई शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास. तो आपको क्या, किससे शेयर करना किसी से अच्छा लगता है, लेटर से, व्हाट्सएप से या ईमेल से? तो इसका आंसर क्या होगा, ईमेल एंड व्हाट्सएप आर क्विक फ्रॉम द कम्युनिकेशन, हैंस पीपुल प्रिपेयर दोज मोड, स्टूडेंट आर एडवाइज रिटर्न देयर ऑन प्रेफरेंस. तो वैसे जो ईमेल वगैरह होते हैं उससे क्या है आप जल्दी से किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हो, मतलब बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा. लेकिन क्या है, आपको अपनी पसंद से खुद से लिखने की सलाह दी जाती है इसमें, मतलब आपको क्या एडवाइस दी जाती है, स्टूडेंट आर एडवाइस राइट दियर ऑन प्रिफरेंस, और आपको क्या है अपने अनुसार इसको राइट करना है. ओके, इसका आंसर आपको खुद से भी लिखना है. इससे आगे राइट द पैराग्राफ ऑन द आर्मीज वर्क ड्यूरिंग पीस टाइम. तो शांति काल के दौरान क्या है, जो आर्मी के जो वर्क होते हैं उसको डिस्क्राइब करना है. ड्यूरिंग द पीस टाइम सोल्जर्स आर अलर्ट एनी डेंजर्स एंड और थ्रेट टू दियर कंट्री. इन एडिशन टू ट्रेनिंग और कम्बैट, ईच ब्रांच ऑफ द आर्म फोर्स ऑफर्स ट्रेनिंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट जॉब एंड अपॉर्चुनिटी. दीज जॉब कैन बी सच फाइ फील्ड ऑफ एज अ इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड कंप्यूटर्स एंड फाइनेंस. तो क्या है, जो हमारे सशस्त्र बलों में क्या है बहुत सारी नौकरियां मिल सकती हैं हमें, जैसे इंजीनियरिंग में, चिकित्सा क्षेत्र में, कंप्यूटर में, मतलब और फाइनेंस में, जो मतलब उनकी वेतन वगैरह का और उनके लिए मतलब खाना पीना वगैरह सारी चीज़ें, वो क्या है फाइनेंस वाले, मतलब उनके पैसे कितने कितना उनके लिए खर्च लगेगा, इसके लिए क्या फाइनेंस की भी वहाँ पर जरूरत होती है, कंप्यूटर्स की भी जरूरत होती है, मेडिसिन की जरूरत होती है और इंजीनियर की जरूरत होती है. ओके, आर्मी में हमारी तो इस फील्ड में भी क्या है आप जा सकते हो. ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एज अ सिटीजन ऑफ और नेशंस वी ऑल मस्ट फुलफिल आवर ड्यूटी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड डिस्क्राइब हाउ टू यू प्रूव पर्पस टू सर्व योर नेशंस. यू कैन चूज फ्रॉम द देमसेल्व्स एंड गिवन बिलो. सेवन, Save the environment, health and well-being and helping the others and righteous conduct. तो क्या है, मतलब health and well-being, मतलब स्वस्थ और अच्छाई के लिए, या helping others, मतलब दूसरों की मदद के लिए, या मतलब righteous conduct, मतलब धर्मनिष्ठ आचरण के लिए भी आप ये कर सकते हो. ये क्या है एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.